राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। मांग को लेकर देश की बात फाउंडेशन के आह्वान पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले भ्रष्टाचार शिकायत अभियान भारत के समर्थन से रोजगार आंदोलन के तहत 26 नवंबर से 27 नवंबर को गांधी चबूतरा कोतवाली के सामने उरई में सुबह 10 बजे से राष्ट्रव्यापी सामूहिक का आयोजन किया गया। समिति के सदस्य एवं आंदोलनकर्ता डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया अशोक गुप्ता ने कहा कि आज हमारा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सृजन करना तो दूर, देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्तियां नहीं की जा रही। जहां भर्तियां हो भी रही है ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जहां मिनिमम वेज इतना कम है कि जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की वजह से छटनी की तलवार लोगों के सर पर मंडरा रही है। छात्र कुमार गौरव ने कहा कि पिछले दिनों पूरे देश ने देखा कि युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सेंट्रल पुलिस फोर्स, आरआरबी, एनटीपीसी, बीएड, बीटीसी, बीपीईडी के हजारों पद खाली हैं। किस संबंध में कर रही हैं? आज जो हम रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ ये बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं। देश भर में जो 60 लाख सरकारी खाली पद हैं, उनको तुरंत सरकार विज्ञप्ति निकालकर उन पदों पे 6 महीनों के अंदर भर्ती की मांग के लिए और राष्ट्रीय रोजगार नीति को कानून बनाने के लिए देश के युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं अपनी की मांग करें। ये अगर आप मांगे सामने स्कूल तो ये निरंतर चलता रहेगा धरना जब तक हम राष्ट्रीय रोजगार नीति अपने संविधान के सामने नहीं कर रहे। अन्ना हजारे जी के पद कमलों पर चल रहे हैं, ये सवाल नहीं है। ये सवाल हमारा बेरोजगार भाई बहनों का है, छात्रों का है और ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। बेरोजगारी धीरे धीरे हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी है कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हमारा देश है वो युवाओं का देश है। 60% युवा है हमारे देश में और आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं अपने रोजगार के लिए। और रोजगार जो है ये केवल आदमी को रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा नहीं है, ये देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी का भी मुद्दा है। तो देश निर्माण में जब तक हमारे भाई बहनों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा देश निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो पहले अगर ये रोजगार हमारे भाई बहनों को मिलेगा और सभी युवा साथियों की देश के कोने कोने के प्रत्येक व्यक्ति को जब तक हम रोजगार नहीं देंगे हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये आर्थिक स्थिति का भी मामला है, तो देश में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का मामला है, देश राष्ट्र निर्माण। इसलिए आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल हमारी जो मांग है सरकार से 60 लाख जो सरकारी खाली पद हैं उनको तत्काल भरा जाए वैकेंसी निकाल के और राष्ट्रीय रोजगार नीति को संसद में पास करके उसको कानून बनाए।